दिस इज अ व्यू ऑफ कंचनजंगा 65 वाओ नाइस व्यू. सुबह के टाइम में जब एकदम सुबह 4 से 5 बजे के टाइम में पूरा कंचनजंगा पूरा आयल से दिखता है. अभी तो क्लाउड से थोड़ा थोड़ा भर चुका है और मैं अभी यहाँ पे जाऊंगी ऑर्गेनिक साइड में और यहाँ पे हम क्या उगाएंगे, यहाँ से क्या उठाएंगे? डल्ले खुर्सानी. डल्ले खुर्सानी ये नेपाली लैंग्वेज है. डल्ले खुर्सानी हम बोलते हैं मिर्ची. और ये मिर्ची सिर्फ तीखा नहीं, तीखा के साथ खट्टा भी है. अच्छा अच्छा, मतलब ये महज डल्ले है क्या? यहाँ पे हम इतना सारा है, बाप रे. और ये इसको क्लोज करिए, देखिए. और ये बहुत बहुत ही तीखा है यार, मर जाओगे खाओगे तो. और लेकिन ब्लड प्रेशर नहीं होंगे. हम इसको उठा रहे हैं, एक दो काफी सारा हुए है भाई. इतना कैसे किए, इतना अच्छा, इतना हम तो नहीं कर पाएंगे हमारा कलकत्ता में. क्या स्मेल है यार, अरे बाप रे. खाऊंगा तो मर जाऊंगा क्या? अभी खाना के टाइम में, खाना के साथ में. देखिए, और ये अगर आप सब विनेगर में रख के साल भर तक रख सकते हो, कंटेनर के अंदर विनेगर में रख के कोई भी खाना के अंदर डाल के देंगे तो उसका टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही चेंज हो जाएंगे. क्योंकि ये सिर्फ तीखा नहीं, साथ ही साथ खट्टा भी है. इसका अलग से टेस्ट है. और अगर सुबह एक छोटा सा इसके टुकड़ा लेके ऐसे राइस के साथ मक्खा के ऐसे करके आप खाएंगे तो जिंदगी तो एकदम गार्डन गार्डन हो जाएंगे. चलिए और कुछ हम उठाते हैं थोड़ा बहुत. मुझे भी चाहिए. हाँ देखिए, ये तो पूरा भरा हुआ है. इसको देख के ना मैं अपना, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है. मैं इतना लुक्स अच्छा है, मैं अभी खा जाऊँ ऐसे लग रहा है. मैं अभी खा जाऊँ. इधर 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 इधर. अरे अभी हम इसके बाद कहाँ जाएंगे भैया? स्कूस. हाँ, स्कूस लेने के लिए. तो ज्यादा से ज्यादा भैया ने उठा ही लिए है, मेरे लिए कुछ शायद छोड़े है. हाँ तो वहाँ से हम करेंगे. नहीं, स्कूस में बहुत सारा फ्लावर आ गया है. अच्छा अच्छा. और जैसे जैसे दिन बीतेगा और स्कूस होते जाएगा. मुझे चाहिए. हाँ, इतना सारा मैं आपको नहीं दूंगी, मुझे चाहिए. और यहाँ पे अभी मौसम बहुत ठंड है और रात को जाके मतलब इतना ठंड होते हैं, इतना ठंड होते हैं कि हमें फायर कम करना जरूरी होते है. नाइस, वाव, बढ़िया. इतना सारा खाऊंगी मैं. चलिए, पता है अभी हम क्या देख रहे हैं? ये इतना क्यूट सा है कि मुझे देख के तो मतलब वाओ, ये कितना क्यूट सा है और इतना बिग होते हैं. दिस इज द स्कूस. पता नहीं आप सब में क्या बोलते हैं, नेपाली में इसको स्कूस बोलते हैं और कोई कोई क्वश भी बोलते हैं इसको. काफ़ी महंगे महंगे होते हैं ये कलकत्ता साइड में. यहाँ पे ये नॉर्थ बंगाल में बहुत अच्छा उगते हैं, सिक्किम साइड में बहुत अच्छा इसका मतलब बंगाली में फॉलोन बोलते हैं. आप सब में क्या बोलते हैं? इसका खेती होता है. खेती, वाओ. काफी सारा फ्लावर आ गया है. ये सब कलकत्ते में होंगे? अगर हम करना चाहते हैं तो भाई आप बताओ. ये ठंडा जगह में होता है, ये स्पेशली हम लोगों का ये पहाड़ दार्जिलिंग. क्लोज करो, मैं इसको उठाऊंगी. कितना अच्छा है, मुझे चाहिए. और इसका कलर देखिए, बढ़िया सा कलर बनी है इसका. वेरी नाइस, वेरी नाइस. पूरा ठंडा. और ये सब्जी जब बनते है, इसका चटनी बनते है, इसका मोमो बनते है, इसका सब्जी बनते है, सारा ही आप सबको मतलब बहुत अच्छा एक वेजिटेबल है ये. सही में ये बहुत ही महंगे होते है कलकत्ता साइड में और यहाँ का एक फेमस वेजिटेबल है, दिस इज द स्कूस. लेकिन हम जब नॉर्थ साइड में आए हैं, सारा जगह ये ऐसे पौधा होता है और ये ऐसे ऐसे हुआ है. मुझे लग रहा था कि पूरा रास्ते भर भर के मैं उठाते उठाते आऊं. और ये स्कूस के बारे में एक और चीज है आपका. हाँ, ये जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं. अच्छा, डायबिटिक के लिए पेशेंट. अच्छा, उन लोगों के लिए भी ये स्कूस बहुत ही बढ़िया चीज है. अच्छा 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 अच्छा.
और भी डायबिटिक पेशेंट के लिए फिर इसको हम कैसे खिला सकते हैं, कि मेरी मम्मी का ही डायबिटीज है। तो इसका बहुत सारा वेराइटीज बन सकता है, इसका चटनी बन सकता है, जैसे आप लोगों ने कल ट्राई किया खाया। अच्छा। सब जो रात में जो सब्जी भी खाया, खाया। हाँ, अच्छा, जो आलू नहीं खाते हैं इन उसके लोगों के लिए, क्योंकि स्कूस, ये जो स्कूस है ये भी हर चीज के साथ आप मिक्सअप बढ़िया कर सकते बढ़िया हो। बढ़िया बढ़िया। और हमें और एक मिल गई है यहाँ पे, क्लोज करो भैया, देखो वाह, और एक मिल गई है भाई, कहाँ कहाँ छुपे हो, और एक मिली है हमें चाहिए। अगर इसका ये हमारे वहाँ पे होते ना, तो हम पूरा घर भर के ये पूरा इधर उधर होके पूरा ऐसे, देखिए तीनों मिल गए हमें यहाँ। कल तक हमने काफी सारे इसको ऑलरेडी खा लिए थे, तो अभी हमें ये दोनों मिला है। और ये पूरा यहाँ का ये दिखा दो, आप थोड़ा दूर जाओ और दिखा दो कहाँ कहाँ यहाँ पे हुई है। और काफी है, ऊपर में ऊपर ऊपर में है, फिर इसका हम लोग बाद में इसको लेते जाएंगे। अभी मेरे से जितना हो पाया मैंने वही उतना ही किया, इससे ज्यादा नहीं हो पा रहा है। और है काफी सारा है, इधर भी है, देखिए देखिए छोटा छोटा, ये देखिए एक छोटा ये का, और बड़े होने से होंगे ना। ये तो अभी नहीं उठाएंगे ना, अभी नहीं उठाएंगे इसका। अच्छा। 4-5 दिन में ये भी, ये वाला साइज, अच्छा, बड़ा वाला साइज अच्छा, हो जाएगा। अच्छा, ये भी काफी ज्यादा हुई है, देखिए तो वो एक भी उधर काफी बहुत सारा हुई है। अभी यहाँ पे जितना भी आप फ्लावर्स वगैरह देख रहे हैं ये स्कूस का, ये सब अभी इसमें फ्रूट्स पे, स्कूस में अच्छा, कन्वर्ट अच्छा। हो जाएगा। वाँ, तो वाँ। जैसे जैसे विंटर बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे ठंड बढ़ते जाएगा, तो और ज्यादा स्कूस होते जाएगा यहाँ पे। अब तक कितने टाइम तक ये इसको खा पाते हैं, मतलब कब तक ये ऐसे अभी होते ये रहते हैं? दिसंबर वगैरह तक रहेगा पूरा। हाँ, फिर इसको हम लोग रख भी सकते हैं। और हमें मिल गई है तीन बड़ा बड़ा इसको सर, इसके इसके शरीर में ना ये कांटा है, लेकिन ये क्यूट सा कांटे है, इसमें आपको कुछ नहीं हार्म करेंगे, ये बहुत ही क्यूट सा कांटे है। और इसको देख के हमें बहुत प्यार करने का मन हो रहा है, बहुत अच्छा एक वेजिटेबल है। इसका बहुत गुण भी है, सिर्फ देखने में अच्छा नहीं, स्वादिष्ट भी नहीं, इसका गुण भी काफ़ी है, काफ़ी गुणवान सब्जी है ये। इसको पकाइए खाइए। और सिक्किम साइड में जाएंगे और नॉर्थ बंगाल साइड में आएंगे तो ये ठंडे के सीजन में इसको जरूर ट्राई करिएगा। दिस इज़ अ वेरी नाइस वेजिटेबल। तो ये था हमारा राजू भैया का और पवन भैया का एक टेलीस्कोप हिल का एक ऑर्गेनिक साइट, जो अपने हाथ से ये यहाँ पे फार्मिंग करते हैं और हमें यहाँ से सब्जियाँ उठा के हमें अच्छा अच्छा रेसिपी बना के खिलाते हैं। ये हमारे लिए 3rd-4th time एक्सपीरियंस है राजू भैया की, यहाँ पे हम जब भी आते हैं यहाँ पे ही आते हैं। और हमारा एक खुद का लैंड भी है, वो हमने अभी तक हमारे खुद के लिए कॉटेज बनाना है बस, क्योंकि हम सब यहाँ पे आते आते इन सब के लिए, इन सब के साथ मुलाकात होने के बाद इतना अच्छा लगा ये परिवेश, यहाँ का वातावरण, यहाँ का ये सब्जियाँ, हम खुद के लिए ही एक कॉटेज करेंगे और यहाँ पे ही रह जाएंगे, बहुत अच्छा लगा बहुत। और ये स्कूस बनाना है हमें, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं राजू भैया का क्या क्या खाना पकते हैं, हम आगे के ब्लॉग में part 4 या 5 जो भी बनेंगे वहाँ पे दिखाएंगे। चलिए थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय ऑल।